कानपुर के महादेवन मंदिर के पास महादेवन मंदिर समिति द्वारा विशाल कथा का आयोजन का द्वितीय दिवस संपन्न हुआ। इस मौके पर कथा सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से सहयोगी व सह आयोजक मनोज गुप्ता और दुर्गेश गुप्ता, अवधेश गुप्ता, विजय गुप्ता और राजा गुप्ता ने बताया कि शनिवार को कथा का तृतीय दिवस है। यहाँ पर शाम 4 से 7 बजे तक लगातार 9 नवम्बर तक कथा चलती रहेगी, जहाँ मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण सुदामा की झांकियाँ रहेंगी। कथा सुनाने कानपुर में आए कथावाचक आचार्य संजय कृष्ण सलिल जी द्वारा सुनाई जा रही है। इस कथा समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्र, वानु का जीवन और शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ जीवन जीने के साथ साथ सनातन धर्म को बढ़ावा देने व ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को देखते हुए आयोजित किया गया, ताकि पूरे क्षेत्र के लोगों को सुख शांति समृद्धि से भरपूर किया जा सके। इस मौके पर हजारों भक्तगण उपस्थित रहे। क्या नाम है भैया आपका, और ये बताएं क्या कार्यक्रम हो रहा है और कितने दिनों तक चलने वाला है? ये भागवत चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। ये 3 नवंबर से 9 नवंबर तक रहेगी। 10 नवंबर को भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। और कितने दिनों तक चलने वाला है? 4 बजे से 7 बजे तक। संजय कृष्ण जी सलील महाराज जी की भागवत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है और अच्छा लग रहा है। सभी लोग जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। बाकी लोगों को सादर आमंत्रित है, यही कामना से भागवत हो रही है। ठीक भैया, क्या नाम है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, आज कौन सा दिन था और कितने दिनों तक चलने वाला है? मैं अवधेश गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी महाराष्ट्र विधानसभा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। यह कार्यक्रम हमारे अनुज भ्राता मनोज गुप्ता जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी जनता का सादर आमंत्रित किया गया है। किसी जात धर्म संप्रदाय के हों, सभी लोग इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर के आत्म कल्याण एवं जन जन के कल्याण के लिए अग्रसर होते रहते हैं। और यही कामना, यही उद्देश्य है कि सत्य धर्म की रक्षा हो सके, मानव का कल्याण हो। मानव का कल्याण उसी में होगा जब मनुष्य उचित कर्म करते हुए मानव माँ की साधना, अपने इष्ट की साधना, भगवान की साधना करेगा, तभी मानव का कल्याण। क्या कितने सालों से ये आयोजन करते आ रहे हैं और कौन सा दिन है, कौन सा साल है ये? प्रथम बार ये आयोजन का रखा गया है और भविष्य में भी हो सकता है ये रखा जाए, लेकिन मैं भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ। हमारी पार्टी का लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना, चरित्रवान बनाना, समाज सेवी, जन जन के कल्याण के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन आगे रहता है। और जो समाज में अनेक पाखंड फैलाए धर्माचार समाज को शोषण कर रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, और हनुमान जी की बजरंगबली की कृपा लेकर के बताते हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमारे शक्तिपुत्र गुरुदेव भगवान सत्य धर्म की यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन का बच्चा बच्चा जन कल्याण के लिए समर्पित है। इसी के साथ सभी को सादर जय माता। अंतिम दिन क्या होने वाला है? अंतिम दिन 9 तारीख को भागवत खत्म होगी और 10 तारीख को प्रातः 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं समस्त लोगों को आमंत्रित करते हैं, अपने पूरे महाराजपुर विधानसभा के और हमारे माता पिता भी की तरफ से भी हम समस्त धर्म प्रेमी जनता को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं कि इस कथा में आएं, अंतिम दान आकर के प्रसाद ग्रहण करें। सभी को सादर जय माता की, जय गुरु। ये पातालेश्वर महादेवन मंदिर समिति में उसी के तत्वावधान में और बाबा के अनन्य भक्त श्री आदरणीय हमारे मनोज गुप्ता जी, दुर्गेश गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी और राजा गुप्ता जी, इनके विशेष सहयोग से परम पूज्य संजय कृष्ण सलिल जी की कथा, जिसका शुभारंभ 3 नवंबर से प्रारंभ हुआ, 9 नवंबर तक यह चलेगी और 10 नवंबर को इन्हीं के तत्व बाबा के सानिध्य में इनके द्वारा शुभ भगवान की लीलाओं का दर्शन, उसके साथ भंडारा प्रारंभ होगा। इस कथा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की वृद्धि, सनातनियों को सनातन के मार्ग पर अग्रसर करना, हिंदुत्व को बढ़ाना और समाज के कल्याण, परिवार के कल्याण पर
जोड़ देना, क्योंकि भागवत की कथा हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करती है, भागवत की कथा हमें भव से पार करने का कार्य करती है, भागवत की कथा हमें भवसागर तक ले जाती है और उसमें भी कल्याण को प्रशस्त करती है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमारे इस मंदिर परिवार ने और मनोज कुमार गुप्ता जी के अथक प्रयास ने और इन सभी भाइयों के जो हमारे अगल बगल सभी लोग खड़े हुए हैं, इन सब के अथक प्रयास ने इस कार्य को सफल बनाने का जो कि प्रारंभ हो चुका किया है, और भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा, पातालेश्वर महादेव की कृपा से यह कार्य आगे भी अग्रसर होता रहेगा, आगे भी इसी प्रकार से होता रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से लेकर के आज तक बहुत भीड़ बढ़ती चली जा रही, क्षेत्रवासी नगरवासी अनेकों प्रकार से उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और ये सबके कल्याण की कथा है, जन कल्याण की कथा है, क्षेत्र के कल्याण की कथा है, सबके सद्बुद्धि समृद्धि सदकीर्ति सदविकास की ओर अग्रसर करने की ओर यह कराई गई है, सबके कल्याण के लिए की जा रही है। और इस कथा का मुख्य उद्देश्य सबको सदमार्ग पर लाना है, नशा मुक्त बनाना है, शुद्ध शाकाहार बनाना है, यह परम उद्देश्य है। क्योंकि आज के समाज में शाकाहार बहुत है लेकिन फिर भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन भटके हुए मनुष्यों को राह दिखाने वाली भागवत कथा है, इसके परम उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य को साकार करने के लिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। और हमें हमारे सभी भाई, बड़े भाई श्री दुर्गेश गुप्ता जी और ये विजय गुप्ता जी और हमारे संतोष गुप्ता जी बड़े भैया और अवधेश गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, इनके अथक प्रयास से और पातालेश्वर महादेवन मंदिर समिति के द्वारा यह पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसको आप सब देख रहे हैं। कल वामन भगवान की कथा होगी, आज की कथा में कुंती और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ और किस प्रकार माता कुंती ने अपने लिए कहा कि प्रभु जब आप दुख होता है तो आते हो, सुख होता हो तो चले।